दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दे लाइक, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं युवराज और आप देख रहे हैं बादशाह एडिटिंग जोन चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को 65 प्रीसेट्स दूंगा लाइटरूम के। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, मैं बताऊंगा आप लोग को लाइटरूम का प्रीसेट कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को यूज़ करना आता है, जिन लोगों को नहीं आता है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रीसेट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो करना कैसे है, तो सबसे पहले यूसी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे यूसी ब्राउज़र ओपन हो रहा है तो यहाँ पे गूगल पर आप लोग को टाइप करना है hdbackgroundpng.com। तो ये एक वेबसाइट है तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। hdbackgroundpng.com तो यही आप लोगों को टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आ गया बादशाह एडिटिंग जोन, तो ये मेरा ही वेबसाइट है तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है। तो आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्टली आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैसे आप लोग को यूज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो और नीचे आते हैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना आप लोगों को। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रीसेट ओपन हो जाएंगे, 65 प्लस है तो डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक कर देना है, इस फ़ोटो के ऊपर, ठीक है, इस प्रीसेट के ऊपर, और यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और ओपन इन न्यू विंडो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग को प्रीसेट को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे अपने फ़ोटो को ऐड करते हैं लाइटरूम के अंदर तो यहाँ पर प्लस के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फ़ोटो और प्रीसेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने पहले से थोड़ा सा एडिट किया हुआ है तो उसको मैं अब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को इफ़ेक्ट डाल के दिखा सकूँ। मैं यहाँ पे एडिटिंग नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया है तो यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा टाइम ले रहा है दूसरा इनपुट होने में, तो दोनों यहाँ पर हो चुका है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप लोग को प्रीसेट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है तो आप लोगों को सिंपली वहाँ पे कर देना है क्लिक और यहाँ पे कॉपी सेटिंग्स लिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को देख लेना है सारे टिक रहना चाहिए और टिक रहेगा तो यहाँ से आप लोगों को कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर प्रीसेट हमारा कॉपी हो चुका है जितनी भी सेटिंग है, तो यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप लोग इफेक्ट डालना है। तो कैसे करना है, तो ऊपर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 डॉट लिखा, मतलब 3 डॉट है तो आप लोग को ऊपर में जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग को पेस्ट सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक ही क्लिक में आप लोग को एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो आप लोग सेचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट ये सब बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से और इस तरीके से। तो मैं आप लोग को 65 प्लस प्रीसेट दूंगा, अपने फ़ोटो के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं एडिट एक क्लिक में, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँगा आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।